आपका स्वागत है दोस्तों। इस वक्त मैं जे सेक्टर सी लाइन गांधीनगर में मौजूद हूँ। आप देख सकते हो मेरे पीछे गली का हाल, आप देख सकते हो। इस गली का इंस्पेक्शन जनसेवा ईश्वर सेवा के प्रेसिडेंट दीपक महेश्वरी जी ने लिया और आज उन्होंने अपने पर्सनल फंड से इस गली को बनाने की कोशिश की है। दोस्तों दीपक महेश्वरी जी जो है एक समाज सेवक है, नगर सेवक नहीं होते हुए भी वो नगर सेवक की ड्यूटी निभा रहे। यहाँ की आम जनता से पूछने की कोशिश करेंगे ये जो हालात इस गली की हुई है, तो आपने किसी को कंप्लेंट की थी या नहीं? हम सबको बताया कोई आया नहीं करने के। हम दीपक सर को बताए, दीपक सर ने आके अभी बनाए और हम लोगों को गवर्नमेंट से इधर से किधर से भी नहीं हो, दीपक सर कुछ से बनाए। आप क्या कहेंगे दीपक? आपने देखा दोस्तों के इलाके की जो महिलाएं मौजूद हैं उनका ये कहना है कि बहुत सारी जगह इनकी सिफारिशें इनकी अर्जियां गई थी। बीएमसी के अंदर अगर ये काम होता तो दो सेकंड का काम नहीं है, ये अप्रूव्ड होता और काम हो जाता, लेकिन जनसेवा के प्रेसिडेंट दीपक महेश्वरी जी ने अपने पर्सनल फंड से इस गली को बनाया है। जनसेवा के बॉम्बे अध्यक्ष श्रीकांत गुड्डू जी हमारे साथ मौजूद है। सर क्या कहेंगे, जो काम बीएमसी का होता है, जैसे शिवाजी पिक्चर में रजनीकांत जी अपने ही पैसे से लोगों की भलाई करते हैं, उसी तरीके से आज दीपक महेश्वरी जी जो अपने खुद के पैसे से जनता की भलाई का काम कर रहे हैं। भी हमारी कि ऐसा नगर सेवक हमें मिला था जो 5 साल पहले चीता के हमको और 5 साल पीछे ले गया। गली के हालात देखे कि बच्चे उसमें गिर रहे हैं, करंट का वायर ऐसा खुला हुआ है, इसको कोई देखने वाला नहीं था। इन्होंने कंप्लेंट कितने बार किए नगर सेवक के पास, आमदार के पास, यहाँ तक कि मुझे यहाँ तक पता चला यहाँ पर तो एक ऐसा स्थानिक बड़ा नेता यहाँ पर रहता है, लोकल में इतना बड़ा नेता रहता है, आज जो पावर में है, फिर भी देख रहा हूँ कि आज गली की हालत ऐसी है। तो एक बदनसी भी है, आज हमारे पास इन्होंने कंप्लेंट किए जो रक्कम्मा के बाद इन्होंने लेटर दिए थे, उसके बाद हमने नगर बीएमसी में फॉलोअप किए, लेकिन बीएमसी का बोलने का ये था कि अब हमारे पास फंड नहीं है, अब इसके बाद जो नगर सेवक आएगा वो बनाएगा। अब आने की बात दूर की बात है, कब इलेक्शन होता है तब तक। तो दीपक भाई ने अपने फंड से बोले ये गली का काम करके लेंगे और आज देखो काम शुरू भी हो गया है। और आने वाले दौर में हमारे पास एक दत्तानगर का भी बहुत बड़ा इशू है, नाले का जो इशू है उसकी वजह से आजू बाजू के घर भी डैमेज हो रहे हैं, घर बैंड हो गए। मैंने देखा हूँ फिर फोटो में कि घर के एक स्ट्रक्चर भी बैंड हो गए। तो ये हमारी नगर सेवक को थैंक यू इसके लिए, इतना अच्छा काम करने के लिए। अब आप आराम करिए, अब हम एक संस्था के हिसाब से हम लोग काम करेंगे। शफीकांत गुड्डू जी, हमेशा आप नगर सेवक को टारगेट करते हो, आपको क्या लगता है कि पिछले 5 साल की जो उनकी ड्यूटी थी उसमें उन्होंने कोई कार्य विकास के किए या नहीं? क्योंकि काफ़ी सारे रोड के काम, वो काफ़ी सारे काम चीताकेम के इलाकों में वो बैनर भी लगवाते हैं और बहुत सारे काम का इनॉग्रेशन हमने भी किया था। मैंने तो सिर्फ बैनर एक ही चीज़ का देखा हूँ, कब्रस्तान का। वो कब्रस्तान की ओपनिंग हमारे आमदार साहब ने महाराष्ट्र नगर से चल के आके किए थे, उसका ओपनिंग हमारी तारी मैडम ने करी थी, उसका ओपनिंग शानू ने किया। पता नहीं एक कब्रस्तान पे सब राजनीति खेल रहे, भले चीता गेम का भला तो करो, मतलब पब्लिक काम ना करे, पहले उन लोगों को कब्रस्तान पहुँचाने का काम चाहिए। हमारे साथ दीपक महेश्वरी जी जुड़े हुए हैं। सर क्या कहेंगे, आज जो है आपने ये कार्य, एक साहसिक कार्य, एक ऐतिहासिक कार्य है कि बीएमसी की अनदेखी के बाद, बीएमसी में फंड ना होने के बाद आपने जो है इलाके के लोगों के दर्द को समझा और आपने उनके लिए कार्य किया, क्या कहेंगे? बस हमारी टीम में जनसेवा में रकम्मा ही शामिल है और यहाँ के कुछ लेडीज ने जब रकम्मा से इस विषय में डिस्कस किया तो हमने आके इसका मुआवना किया था और परिस्थिति बहुत अच्छी रही थी। पानी रिवर्स मार्ग घर के अंदर लोगों के घर तक पानी जा रहा था वापस, तो हमने बीएमसी को अप्रोच किया, लेकिन बीएमसी अभी फिलहाल किसी भी काम में एक्शन नहीं ले रही क्योंकि स्थानिक नगर सेवक अभी कोई नहीं है और इलेक्शन हुए नहीं है, तो इसका कोई अंत नहीं है कि कब होगा। तो हमने यही निर्णय अपने टीम के अंदर बैठ के कि ये एक काम हम अपने माध्यम से ही करेंगे और अपने फंड से करेंगे, इसकी शुरुआत हमने आज की है और आगे भी हमें दत्तानगर का प्लानिंग करना है, उसके भी हम प्लानिंग कर रहे हैं। वहाँ भी एक समस्या सेम है और जितना हो सके अपने अपने हिसाब से करेंगे जब तक नगर पालिका के इलेक्शन नहीं होते। थैंक यू सर। हाँ दोस्तों, जैसा आपने देखा कि कोई भी शख्स, कोई भी पॉलिटिशियन या सोशल वर्कर अगर कोई अच्छा कार्य करता है, तारीफ के काबिल काम करता है, तो सर मुझे पर्सनली मैं आपको थैंक्स करता हूँ कि आपने यहाँ के लोगों का दर्द समझा। ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए प्रहारी मुंबई। कैमरामैन नूर के साथ में फवाद शेख।